कहती है, शाम कहती है, हर आरजू ये पैगाम कहती है। सुबह कहती है, शाम कहती है, हर आरजू ये पैगाम कहती है। आप सभी सुनने वालों को आपके दोस्त आजम शेख की आवाज सलाम कहती है, सलाम कहती है। कर सरस्वती को नमन प्रथम, गणपति की वंदना करता हूँ। सबकी कामनाएं पूर्ण हो, विनती ये मन ही मन करता हूँ। कर सरस्वती को नमन प्रथम, गणपति की वंदना करता हूँ। कर सरस्वती को नमन प्रथम, गणपति की वंदना करता हूँ। हो कामनाएं सबकी पूर्ण, विनती ये मन ही मन करता हूँ। हो कामनाएं सबकी पूर्ण, विनती ये मन ही मन करता हूँ। हो हृदय से भाव विभोर, हो हृदय से भाव विभोर, शत शत नमन मैं करता हूँ। माँ सरस्वती के इस विद्या मंदिर में आप सभी का अभिनंदन मैं करता हूँ, आप सभी का अभिनंदन मैं करता हूँ। आभार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। साथियों, आज हम माँ सरस्वती के इस विद्या मंदिर के सभागार में कुछ विशेष पलों के साक्षी बनने के लिए यहां एकत्रित हुए हैं। यह हमारा परम सौभाग्य है कि माँ सरस्वती ने हमें ऐसा मौका दिया कि हम इन पलों के साक्षी बने। बहुत से लोगों के जीवन में तो ये पल आते ही नहीं है, तो माँ सरस्वती के आशीर्वाद से मैं ये आशा करता हूँ कि आप और हम सब मिलकर इस कार्यक्रम को यादगार बनाएंगे। मुझे विश्वास है कि इस कार्यक्रम की सुख समृद्धियां चिरकाल तक हमारे मानस पटल पर रहेंगी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए हमारे आने वाली पीढ़ी को जागरूक करना है, और इसका एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव, एक बहुत अच्छा प्रयास भाई गुरदास ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन संगरूर ने लिया है, जिसके लिए मैं इस ग्रुप को हार्दिक बधाई देता हूं। मंच पर विराजमान हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वो हमारे बीच पधार चुके हैं। उनका कार्य पूरे चंबा के लिए एक सोने पे सुहागे की तरह हम लोगों के बीच दिखाई दे रहा है, जिसके लिए हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी का मैं धन्यवाद भी करूंगा और इनके उज्जवल भविष्य के लिए इनको कामना करूंगा। कहते हैं कर्मों से इंसान की पहचान होती है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान होते हैं, एक नाम के तो हजारों इंसान होते हैं। आज के इस पावन मेला पर, आज के इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि महोदय, उनके साथ मंच पर विराजमान प्रिंसिपल बॉयर सीनियर सेकेंडरी स्कूल श्री जितेंद्र जी, हमारे प्रोफेशनल के जिला कोऑर्डिनेटर श्री सुनील नैयर जी, हमारे
विद्यालय के ओरिजिनल राजेश कश्यप जी और भाई गुरदास गुरदास ऑफ इंस्टीट्यूशन के जो वाइस चेयरमैन है श्री अमन ओझा जी, उसके साथ मंच पर विराजमान हमारे अन्य और यहाँ पर आए हुए विभिन्न विद्यालयों से आए हुए हमारे गुरुजन, आप सभी का मैं विद्या के इस मंदिर के सभागार में पधारने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं चाहूंगा इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और हमारे विद्यालय के रीढ़ की हड्डी हमारे माननीय प्रधानाचार्य महोदय जी से कि वो मंच पर आकर पहनाकर सम्मानित करें। स्वागत करें, शॉल को टॉपी पहनाकर इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और हमारे विद्यालय के आदरणीय प्रधानाचार्य श्री राजेश कश्यप जी द्वारा शॉल को टॉपी पहनाएंगे। श्री राजेश कश्यप जी से कि वो मंच पे आए और मुख्य अतिथि महोदय जी का स्वागत करें। राजेश मेरे हिसाब से बेस्ट टीचर की यही होगी परिभाषा। माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री नवीन तनोज जी, उपमंडला अधिकारी सब डिवीजन चौक, मैं इस कार्यक्रम में जो कि भाई गुरदास इंस्टीट्यूशन की तरफ से आयोजित है और हमें सिर्फ आयोजन करने का मौका मिला है, मैं इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। समाज में अध्यापक का बहुत ही सम्मान है, बहुत सम्मानित नजर से देखा जाता है, लेकिन आज तक यह सोच जो मेरे दिमाग में काफी दिनों से थी कि टीचर को सम्मानित किया जाए। मैं जब आपके कार्यालय में आया था तभी मैंने आपसे बात की थी कि अध्यापकों को भी सम्मानित किए जाने का अवसर मिलना चाहिए, और मैं धन्यवादी हूँ राणा जी का और ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के जो वाइस चेयरमैन है श्री ओझा जी कि उन्होंने मेरी इस सोच को काफ़ी पार लगाए हैं और मैं दिल की गहराइयों से ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन यानी कि गुरदास भाई गुरदास ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के वाइस चेयरमैन जी का भी दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूँ। अभी पीछे एक कार्यक्रम चल रहा था अखंड शिक्षा ज्योति और विभिन्न स्कूलों से निकले ये इतने सारे मौके, मतलब सर्वश्रेष्ठ टीचर एक प्रधानाचार्य के लिए काफी टिपिकल हो जाता है कि बेस्ट टीचर निकालते थे, बड़ा मुश्किल काम होता है क्योंकि हर टीचर अपने विद्यार्थी को अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करता है, लेकिन फिर वही बात आ गई जैसे चार्ल्स डार्विन ने कहा था कि सक्सेस वही होगा जो परिस्थितियों के अनुभव आप अपने को ढाल लेकर। तो महोदय हमारा प्रोग्राम जो काफी लंबा चलने वाला है तो ज्यादा टाइम नहीं होगा, दिल की गहराइयों से एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आगे बढ़ाते हुए हमारे विद्यालय की नन्ही मुन्नी कुछ छात्राएं सरस्वती वंदना आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगी, तो सरस्वती वंदना की हमारी प्रतिभागी छात्राएं मंच पे आ जाएं, आप जोरदार तालियों से इन बच्चों की हौसला अफजाई करें। आप लोग जय जय मां, जय जय मां, जय जय मां, जय जय मां।
हिमाचल प्रदेश स्टेट का जो पूरा काउंसलर श्री हरिंदर सिंह जी, ये भी इसी ग्रुप से यहाँ पधारे हुए हैं। मैं आप सभी महानुभावों का यहाँ पधारने पर अपने विद्यालय परिवार की ओर से शिक्षा के इस मंदिर के सभागार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सम्मान समारोह है, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं गुजारिश करूंगा श्री नगेंद्र राणा जी से कि वो मंच पर आए और श्री राज सिंह जी राणा एमडी साई एजुकेशनल ट्रस्ट को शॉल और टोपी पहनाकर सम्मानित करें। श्री नगेंद्र राणा जी मंच पर आ जाएं। वो श्री राज सिंह राणा जी एमडी साई एजुकेशनल ट्रस्ट को शॉल और टोपी पहनाकर सम्मानित करें। श्री नगेंद्र राणा जी तालियां। देखिए तालियां तो किसी भी समारोह की, किसी भी फंक्शन की जान होती है। कहते हैं जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम होता है। जिंदगी में कभी ये वो मंच में आए और श्री प्रदीप सिंह जी रिटायर्ड अंडर सेक्रेटरी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हिमाचल प्रदेश को शॉल और टोपी पहनाकर सम्मानित करें। श्री विकास राय जी और मंच पर आमंत्रित करता हूं रिटायर्ड अंडर सेक्रेटरी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। तालियां अभी भी वैसी नहीं आ रही है, तालियों में तो बस दम होना चाहिए। मंच पर एक बार पुनः नरेंद्र राणा जी को आमंत्रित करता हूं कि वो मंच की अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए हमारे बड़े भाई और सम्मान के हो गए प्रिंसिपल गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल श्री जितेंद्र चंद्रोटिया जी को टोपी पहनाकर सम्मानित करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे आदरणीय बड़े भाई, सम्मानित करें। तालियां बजते रहनी चाहिए। मैं गुजारिश करूंगा नरेंद्र राणा जी से कि वो हमारे बीच में विराजमान श्री सुनील नैयर जी, कोऑर्डिनेटर वोकेशनल एजुकेशन, तो टॉपी बनाकर सम्मानित करें। उसके पश्चात मीडिया के चौथे स्तंभ, मीडिया के चौथे स्तंभ जिनके जिनकी कलम से हमारा पूरा संसद, हमारा देश चलता है, उसी से यहाँ पर पधारे हुए हमारे भिन्न भिन्न अखबारों के, प्रिंट मीडिया के पत्रकार बंधु, उसमें से श्री वरिष्ठ पत्रकार श्री हमीद खान जी को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा कि वो मंच पे आए और नरेंद्र राणा जी को टोपी पहनाकर सम्मानित करें। श्री हमीद खान जी, तालियां बजती रहनी चाहिए। हमारा लोक तंत्र का चौथा स्तंभ है। जितनी भी हमारे पास कोई भी जानकारियां पहुंचती है, चाहे वो लिखित रूप में हो, चाहे वो ऑडियो वीडियो किसी में भी हो, वो इसी स्तंभ के द्वारा हमारे तक पहुंचाई जाती है। बहुत कठिन और चुनौती भरा कार्य होता है इनका। देखने में तो हमें सभी कार्य आसान लगते हैं, लेकिन जो करता है उसको पता होता है कि कौन सा कार्य कैसे किया जाता है। भाई गुरदास ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के बारे में बता दूं कि इस इंस्टीट्यूशन में विभिन्न प्रकार के कोर्सेज जो है वो आने वाली हमारी जो पीढ़ी है उसके लिए करवाए जाते हैं, जिसमें
भाई गुरदास इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें बीटेक अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, सीएससी, आईटी, डब्ल्यूई, ईसीई, एमई, सिविल, फूड टेक्नोलॉजी में करवाई जाती है। उसके पश्चात इसमें हायर एजुकेशन एमटेक, जो सीएससी, ईसीई, डब्ल्यूई, एमई, इन सभी को स्ट्रीम के अंदर जो है वो मास्टर डिग्री भी इसमें एमटेक करवाई जाती है, जिसमें बैचलर डिग्री में बीसीए, बीसीए, लेटर एंट्री, बीबीए, बीकॉम ऑनर्स, मास्टर डिग्री में एमबीए, एमसीए, एमसीए लेटर एंट्री, एमकॉम ऑनर्स, ये सभी कोर्सेज इसमें भी करवाए जाते हैं। उसके पश्चात भाई गुरदास पॉलिटेक्निकल कॉलेज डिप्लोमा है, जिसमें सीएससी, डब्ल्यूई, ईसीई, एमई और सिविल के जो है वो ट्रेड इस पॉलिटेक्निक कॉलेज में करवाए जाते हैं। उसके पश्चात भाई गुरदास कॉलेज ऑफ लॉ एलएलबी थियर का कोर्स है ये, और बीएलएलबी इंटीग्रेटेड कोर्स है 5 ईयर का। उसके पश्चात भाई गुरदास इंस्टीट्यूशन ऑफ नर्सिंग, जिसमें एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग के कोर्सेज जो है वो करवाए जाते हैं। भाई गुरदास इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन, जिसमें 2 ईयर का हमारा जो बीएड का प्रोग्राम होता है वो भी इस कॉलेज में रेगुलर मोड में किया जाता है। ये जितने भी कोर्सेज मैंने आपको बताए हैं ये सारे के सारे कोर्सेज रेगुलर मोड में, रेगुलर सर सभी कोर्सेज जो है वो रेगुलर मोड में करवाए जाते हैं। उसके पश्चात भाई गुरदास डिग्री कॉलेज, जिसमें बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी फिजिक्स, एमएससी केमिस्ट्री और एमएससी मैथ्स, ये मास्टर डिग्रीज भी जो है वो इस इंस्टीट्यूशन में करवाई जाती है। इस ये जो भाई गुरदास ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है, ये डिस्ट्रिक्ट संगरूर, जो लुधियाना से थोड़ा सा आगे मलेरकोटला रोड से होकर निकलते हैं, तो ये डिस्ट्रिक्ट संगरूर में जो है वो ये इंस्टीट्यूशन पड़ता है। सही है सर, लोकेशन यही है ना? तो आप सभी जो हमारे विद्वान शिक्षाविद लोग यहाँ पे धारे हुए हैं, आप लोगों तक ये बात पहुंचाने का हमारा मुख्य उद्देश्य यही था कि जो भी आने वाली हमारी पीढ़ी है वो आप लोगों से पढ़ रही है, आप लोगों को अपना आइडल मानती है, आप लोगों को अपना प्रेरणा स्रोत मानती है। तो उसके जब वो अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे, स्कूलिंग पूरी करेंगे, तो उनके सामने एक पहाड़ सी जिंदगी होगी, पहाड़ सा उनका एक लक्ष्य होगा, किस चीज ओर उनको जाना है वो आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। तो इसीलिए इन कोर्सेज के बारे में बताने का हमारा मुख्य उद्देश्य यही था कि आप उनकी काबिलियत के अनुसार, उनकी बौद्धिक क्षमता के अनुसार, उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार आप उन बच्चों का मार्गदर्शन करें, उनको सही राह पे भेजें, ताकि आने वाले हमारे देश की जो नींवें हैं वो मजबूत बने। यही हमारा उद्देश्य था कि आप लोगों के माध्यम से बच्चों को जो है सही जानकारी जो है वो मिले कि वो आने वाले अपने 12th की पढ़ाई के बाद किन किन स्ट्रीम्स के अंदर अपना करियर बना सकते हैं। इसके बारे में वैसे ज्यादा डिटेल से जो संस्थान के वाइस चेयरमैन हमारे बीच में पहुंचे हुए हैं श्री अमन ओझला जी, वो भी आपको बताएंगे। तो अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जो हमारा आज का मुख्य उद्देश्य था, टीचर नॉमिनेशन अवार्ड, जिसमें भिन्न भिन्न स्कूलों के, वैसे तो सभी जितने भी गुरुजन होते हैं वो सभी आदर सत्कार के योग्य होते हैं, सभी के अंदर प्रतिभा होती है, सभी गुणों से भरपूर होते हैं, फिर भी ये इनका अपना एक क्राइटेरिया था इंस्टीट्यूशन का कि उन्होंने जो वो बहुत से आयामों को देखने के बाद, बहुत से जो बारीकियां थी उनको देखने के पश्चात निर्णय लिया है कि जिला चंबा के लगभग 20 स्कूलों के बहुत से टीचर्स को जो है वो बेस्ट टीचर नॉमिनेशन के लिए यहाँ बुलाया हुआ है। तो इसी कड़ी में
मैं गुजारिश करूंगा नरेंद्र जी से मेरे साथ नहीं और आज के इस समारोह के पर माननीय मुख्य अतिथि मोदी जी से गुजारिश करूंगा कि सर आप मंच पे आए और उनके साथ संस्थान के चेयरमैन श्री अमित जी आप भी आए और हमारे विद्यालय के आदरणीय प्रधानाचार्य जी और जो अध्यक्ष हैं इस कार्यक्रम के आप मंच पे आए और जिन जिन टीचर्स का वो यहाँ मंच पे अपना बेस्ट टीचर का आवाज लेने के लिए आएंगे पर मेरी बातियों से गुजारिश रहेगी कि आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें क्योंकि आज आप उनके लिए ताली बजाएंगे जब आपकी बारी आएगी तभी वो आपके लिए बजाएंगे। इस लिस्ट में जो मेरे पास आई है सबसे पहले मंच पे बुलाना चाहूंगा श्रीमती आबिदा शेख जी को कि वो मंच पे आए और अपना इनाम ले। श्रीमती आबिदा शेख जी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुमारका रेगुलर क्लासेस में तो बच्चों को पढ़ाया है लेकिन जो हमारा भी बड़ा पैनिक कोरोना काल था उसमें भी लोगों ने बच्चों के जो है बच्चों के तालियां बजती रहनी चाहिए। इसके पश्चात मैं मन वो मैं तालियां फिर भूल जाते हैं कुमारका वाले छागे हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुमारका के ही श्री चंद्र सैगल जी उसके पश्चात मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाथी के श्री सरबजीत सिंह जी को गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बग्गी के श्री अमित कुमार जी उसके पश्चात मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सारू के श्रीमती सुमन कुमारी जी को तालियां आप भी बजाएंगे। उसके पश्चात मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाती के श्री जसविंदर सिंह जी को उसके पश्चात गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खजार के श्री संजीव भारद्वाज जी उसके पश्चात गवर्नमेंट मिडिल स्कूल हरदासपुरा के श्री विनोद कुमार जी मंच पे आए और अपना इनाम हासिल करें।
टेनिस कोर्ट भजोत्रा के श्री राजेश कुमार जी, राजेश कुमार जी गवर्नमेंट सीरीज टेनिस कोर्ट भजोत्रा। इसके पश्चात गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्याडी की श्री आशा कुमारी जी,
नाचना रिंदगी भी होती है। कहते हैं कि नाचना रिंदगी भी होती है, नाचना खुदा की बंदगी भी होती है, नाचना की बंदगी भी होती है। कुछ पल झूम के देखो दोस्तों खुशी में लगे, लेकिन नाचना जिंदगी भी होती है, नाचना जिंदगी भी होती है। आज के मुख्य अतिथि मोदी जी को एक बार पुनः मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो एक बार पुनः आए और हमारे जो मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं श्री सुनील नैयर जी कि वो मंच पे आए, जोरदार तालियों से सुनील नैयर जी का स्वागत करें। तो वो तालियां कुछ बजने वाली हैं, तालियों के लिए मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा भोजन में ताली का और कार्यक्रम में ताली का बड़ा महत्व होता है, इसलिए ताली ही जरूरी है। ये टोली का काम करती है, इसके पश्चात मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल से श्रीमती श्री कला जी को कि वो मंच पे आए। मेरी गुजारिश रहेगी जिन हमारे गुरुओं को इनाम मिल चुका है वो कृपया दूसरों के लिए तो ताली बजा दे, और ये ना समझे कि अभी तो मिल गया, और ये तो भोजपा से ही श्रीमती सुनीता ठाकुर जी वो मंच पे आए। श्रीमती सुनीता ठाकुर जी करता हूं
कन्या विद्यालय चंबा की श्रीमती राखी बागी जी को कि वो मंच पे आए और अपना कि हमारे कन्या विद्यालय परिवार का एक अभिन्न अंग है। इसके पश्चात मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ मेरे बड़े भाई श्री करण चोपड़ा जी को कि वो मंच पे आए। गवर्नमेंट मॉडल गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा से श्री पवन चोपड़ा जी बहुत ही प्रतिभाशाली और मेहनती अध्यापक हैं। पवन चोपड़ा जी किसी भी कार्य को ही पूरी शिद्दत के साथ पूरी लगन के साथ जो वो करते हैं। उसके पश्चात मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ कन्या विद्यालय से ही श्री कुलदीप अरोड़ा जी को प्रवक्ता श्री कुलदीप अरोड़ा जी और हमारे विद्यालय के वाइस प्रिंसिपल भी हैं श्री कुलदीप अरोड़ा जी। बहुत बहुत मुबारक सर। इसके पश्चात मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ कन्या विद्यालय से ही श्री कमलेश शेखर जी को कि वो मंच पर आए। बड़े होनहार अध्यापक हैं ये हमारे स्कूल की बेटी होती हैं। कन्या विद्यालय से ही श्रीमती भगवत भारद्वाज जी, कन्या विद्यालय से श्रीमती भगवत भारद्वाज जी कृपया मंच पे आए। इसके पश्चात मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ कन्या विद्यालय से ही श्रीमती शिखा महाजन जी को जो मंच पे आए। शिखा नाम आ नहीं सके हैं तो उनके बिहार पे योगिता मैम जो है वो कोई नाम ले रही है। सर आप थोड़ा सा एक बार पुनः विश्राम कर लें, एक बार पुनः मंच को सुशोभित करने के लिए एक प्रस्तुति के लिए अपने विद्यालय के नन्हे मुन्ने कलाकारों को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो मंच पे आए और आप लोगों के सामने एक सुंदर सी प्रस्तुति पेश करें।
हेलो एक बहुत ही सुंदर प्रयास इन छोटे छोटे नन्हे कलाकारों के द्वारा आप लोगों के समक्ष पेश किया गया। इनको इनके हौसले के इनके हौसले को देखते हुए मैं कहना चाहूंगा कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। इसके पश्चात मैं बुलाना चाहूंगा मंच पे कन्या विद्यालय की ही श्रीमती सपना जी को। सपना का सारा श्रेय जो है वो सपना मैम को जाता है कि उन्होंने बड़े अल्प समय में ही इन बच्चों को जो है वो प्रस्तुति के लिए तैयार किया था। बहुत होनहार और मेहनती टीचर है ये हमारे विद्यालय की। उसके पश्चात मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा कन्या विद्यालय की ही श्रीमती पूजा चौहान जी को। बहुत अच्छी अध्यापिका है ये भी। उसके पश्चात मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा कन्या विद्यालय से ही श्री प्रशांत जी को कि वो मंच पर आए। तालियों से स्वागत होना चाहिए। उसके पश्चात मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पहला से श्री विनोद सोनी जी को, जो हमारे बड़े भाई भी हैं, मार्गदर्शक। उसके पश्चात मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सात से श्रीमती दीप शिखा जी को कि वो मंच पे आए। मैडम दीप शिखा जी, इसके पश्चात मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सात से ही श्रीमती शालिनी चौहान जी को। इसके पश्चात मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल महिला से श्रीमती निधि जी को कि वो मंच पे आए। श्रीमती निधि जी, इसके पश्चात मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल महिला से ही श्रीमती संयोगिता मनहास। तालियां तो बज। इसके पश्चात
मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मेला से ही श्री नरेंद्र सिंह जी को। श्री नरेंद्र सिंह जी, इसके पश्चात मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिल्ला घाट से श्री व्यासदेव जी को कि वो मंच पे आए। श्री व्यासदेव जी, इसके पश्चात मंच पर आमंत्रित करता हूं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिल्ला घाट से ही श्री रमेश जी को। तालियां बजती रहनी चाहिए। उसके पश्चात मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चील बंगलों से डीपी श्री उमेश चौड़ा जी। उसके पश्चात युवा और होनहार साथी ताहिर मिर्जा जी भी मंच पे आए। सेकेंडरी स्कूल कीड़ी से श्री पवन कुमार जी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कीड़ी पवन कुमार जी। उसके पश्चात मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कीड़ी से ही श्री अजय कुमार जी को। इसके पश्चात मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कीड़ी से ही श्रीमती नीलम कैला जी को कि वो मंच पे आए। गुजारिश करूंगा भाई गुरदास ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के वाइस चेयरमैन श्री अमन जी से कि वो हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय जी को एक स्मृति चिन्ह टोकन ऑफ लव जो वो भेंट करें। श्री अमन जी, जो कि यादगार टोकन ऑफ लव जो है वो भाई गुरदास ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हमारे आज के मुख्य अतिथि मोदी जी को भेंट किया जा रहा है। उसके पश्चात मैं गुजारिश करूंगा श्री अमन जी से ही कि वो इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और हमारे विद्यालय के सम्माननीय प्रधानाचार्य श्री राजेश कश्यप जी को एक समिति चिन्ह टोकन ऑफ लव जो है वो भेंट करें। उसके पश्चात मैं पुनः अमन जी से गुजारिश करूंगा कि वो हमारे बीच में पधारे हुए विशिष्ट अतिथि प्रिंसिपल गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा श्री जितेंद्र जसरोटिया जी को एक स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। श्री अमन जी,
इसके पश्चात मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं रिटायर्ड अंडर सेक्रेटरी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड श्री कुलदीप सिंह जी को, जो मंच पर आए और इनको भी एक स्मृति चिन्ह जो है वो हमारे मुख्य अतिथि मोदी जी के कदमों से भेंट किया जा रहा है। मैं अपने प्रेस के जो हमारे यहाँ बंधु पधारे हुए हैं श्री आमिर खान जी, वो मंच पे आए और मुख्य अतिथि महोदय जी से और अमन जी से और कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय से गुजारिश करूंगा कि वो श्री आमिर खान जी को टोकन ऑफ लव जो है वो भेंट करें। अमर उजाला से श्री अयोब जी, चलिए चलिए। इस कार्यक्रम के हसीन लम्हों को अपने कैमरे में कैद करने वाले हमारे मित्र, हमारे बंधु सिटी चैनल से, उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो भी मंच पे आए। हेड श्री संजय कुमार जी वो भी मंच पे आए, उनको भी एक टोकन ऑफ लव जो है संस्थान की तरफ से भेंट किया जा रहा है मुख्य अतिथि मोदी जी के कमलों द्वारा। इस संस्थान का जो भी स्टाफ है, जो भी कर्मचारी आपके इंस्टीट्यूशन के आंसर, उनको भी आप जो है वो मंच पे भेज दें। जो भी आपके संस्थान के कर्मचारी यहाँ पधारे हुए हैं, आप सभी मंच पे आ जाएं। आप थोड़ा सा फिर विश्राम कर लें कि निन्ने निन्ने कलाकार एक और प्रस्तुति आप लोगों के समक्ष रखने जा रहे हैं।
ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के जो बाकी सभी राणा जी और सभी जो दोस्त हैं और जो सभी आए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और प्रिंसिपल साहब हमारे बॉयज़ स्कूल के भी यहाँ हैं और सभी गणमान्य जो शिक्षकगण यहाँ हैं जो कि आज पुरस्कृत हुए और मैं भी इसमें शामिल हुआ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि निसंदेह जो शिक्षक गण हैं शिक्षक वर्ग हैं उनका हम पर बहुत आशीर्वाद है। हम हमारे समाज पर पूरे जो भी कुछ अच्छा करते हैं या जिस भी उसकी अच्छा और दुर्दशा दोनों एक तरह से टीचर्स के ही जो है उसमें आती है। तो जितना ऊँचाइयाँ एक समाज छूता है जितने अच्छे हमारे बच्चे बन के निकलते हैं उसका बहुत बड़ा जो श्रेय है जो टीचर्स को जाता है और शायद उतना हम डेली लाइफ में या अपने समारोह में या बाकी जो आयोजन होते हैं उनमें शायद उतना हम जो है जो धन्यवाद है थैंक यू अपना नहीं प्रकट कर पाते हैं। खास एक जैसे टीचर्स डे आपको उसमें एक मौका मिलता है तो अन्यथा इस तरह के मौके नहीं मिलते हैं। तो फिर से मेरा बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह का एक आयोजन करने के लिए और मुझे भी उसमें शामिल करने के लिए। और जो है बच्चे इतने छोटे छोटे हर जो है मुझे लग रहा है प्राइमरी के भी और सीनियर हैं सब जूनियर हर जो है एज के बच्चों ने आज बहुत ही ज़्यादा सुंदर प्रस्तुति दी तो मुझे लगता है फिर से एक बार और सभी बच्चों के लिए हम जोरदार तालियां बजा सकते हैं। बहुत बहुत जो है शानदार बहुत ही अच्छी प्रस्तुति थी और मैम भी इसके जो कोऑर्डिनेटर हैं जो करवा रहे हैं वो भी बहुत बधाई के पात्र हैं कि कैसे एक जो है आयोजन के अनुरूप जो है शुरू से अंत तक कुछ प्रस्तुतियां जो यहाँ प्रस्तुत हुई हैं तो वो बहुत ही अच्छे हैं। और कहीं ना कहीं ये भी एक जो पार्ट है एक्स्ट्रा करिकुलर जिसको बोल सकते हैं वो बहुत ज़रूरी होता है एक ओवरऑल जो है एक फिजिकल आपके ग्रोथ के लिए या पूरे एक कोऑर्डिनेशन के लिए फिजिकल हैंड जो पूरा हमारी बॉडी का कोऑर्डिनेशन होता है या एक रचनात्मक जो एक एक शक्ति होती है हमारी उसको विकसित करने के लिए वो भी बहुत अच्छा आज लगा। और सभी टीचर्स को जैसे मैं पर्सनली जानता नहीं तो आशा कि इस तरह के फंक्शंस और होंगे लेकिन मुझे भरोसा है कि आप सभी जो है जैसे जो अलग अलग कोई इतने रिमोट जैसे शीला में पोखरी में अपने अलग अलग जो है स्टेशंस पे आप लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं तो ये बहुत जो है मुझे लगता है बड़ा योगदान है बहुत बड़ी सेवा है जो कि जो है आप सभी हम सब के लिए जो है बच्चों के लिए कर रहे हैं। और मेनी थैंक्स टू यू बहुत और ऑर्गेनाइजर्स के लिए एंड मेनी थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को थैंक यू। बढ़ाते हुए एक बार मैं मुख्य अतिथि महोदय जी से पुनः निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के कि वो मंच पे फिर आए और हमारे कुछ अध्यापक वर्ग जो है वो अभी रह रहा है सर आप बोल रहे श्री वीरेंद्र महाजन जी वो मंच पे आए बहुत मेहनती ईमानदार और सामाजिक रूप से कार्य करने वाले हमारे बड़े भाई वीरेंद्र महाजन जी जो किसी भी प्रकार की कार्य हो उसको पूरी शिद्दत के साथ मैं तो कहता हूँ कुछ ज्यादा ही शिद्दत का टेंशन के साथ ही कर देते हैं। तो मैं कहते ही श्री शिवम पुरी जी जो हमारे वोकेशनल ट्रेनर हैं बहुत अच्छे अध्यापक हैं और बहुत मेहनत करते हैं बच्चों के साथ उसको मैनेज करने में हमें इतनी कठिनाई होती है तो समाज के साथ पूरे समाज को साथ लेके चलना ये बहुत बड़ी चुनौती है। मैं मुबारकबाद देता हूं भाई गुरदास ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस को इन्होंने बड़े अल्प समय में ही क्योंकि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन तो कई कई सालों से चल रही है
लेकिन इन्होंने अल्प समय में ही बहुत बड़ा मुकाम शिक्षा के क्षेत्र में हासिल किया है। सर आपने सभी को बहुत बहुत इनाम दिए, बहुत बहुत टोकन ऑफ लव दिए, तो मैं अपने विद्यालय की तरफ से आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर संभव हुआ तो आप एक टोकन ऑफ लव जरूर विद्यालय के बच्चों के लिए भी जो है वो जब आप आएंगे तो जरूर, अगर संभव हुआ तो आप जरूर बच्चों के लिए जो है वो एक टोकन ऑफ लव जरूर देके जाएं। तो मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं भाई गुरदास ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के वाइस चेयरमैन श्री अमन जी को कि वो मंच पे आए और कुछ संस्थान के बारे में और ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपका। सो 43 इयर्स हमें हो चुके हैं इस एजुकेशन सेक्टर में। सो मोर देन 9 इंस्टीट्यूशंस हम रन कर रहे हैं, मोर देन 60 एकर्स में हमारा कैंपस है। हम हर साल बेस्ट पेज अवार्ड करवाते हैं, मतलब डिफरेंट स्टेट्स में। बिकॉज इसका रीज़न क्या है, टीचिंग एक कोई आसान काम नहीं है। आपके पास इंटेलिजेंट बच्चे भी आते हैं और कुछ एवरेज बच्चे भी होते हैं और कुछ को चलाना पड़ता है, धक्के से बोलो आप। सो जैसे कोविड में हर बंदे की हर इंसान की लाइफ चेंज हुई है, ऑफलाइन से ज़्यादा जो हमने एज एजुकेटर हमने नोटिस किया है वो ऑनलाइन स्टडी ऑफलाइन से भी टफ थी। बिकॉज ये कह देना भी जूम मीटिंग में बच्चों को पढ़ा दो बहुत मुश्किल होता है। बट सल्यूट टू आवर टीचर्स, इस एजुकेशन इंडस्ट्री में चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, हर टीचर ने अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बखूबी निभाया। तो ये जो नॉबल प्रोफेशन है इसकी मतलब ये अवार्ड मेरे तरफ से जो है छोटा सा तोहफा है आपके लिए। अगर मेरा ये मानना है, मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, अगर देश को बदलना है तब कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी मतलब कोई भी लीडर नहीं बदल सकता, उसको बदल सकते हैं तो बदल सकते हैं। अगर आज एसडीएम साहब एसडीएम बने हैं ना तो टीचर्स की वजह से बने हैं, हमारा एक सर हेलो, अगर आज हम एक अच्छा इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं तो अच्छे टीचर्स की वजह से रहे। तो रियली रियली थैंक्स टू यू, रियली सैल्यूट टू ऑल द टीचर्स फ्रॉम ऑल ऑफ माय हार्ट, थैंक्स फॉर कमिंग। तो एक मैं प्रॉमिस जरूर करता हूँ, आइए हमारा चंबा में फर्स्ट इवेंट था बट नेक्स्ट टाइम इससे बड़ा इवेंट करेंगे। आई होप गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स हैं वो दोबारा हम एक बड़े रैंक के भी लेके आएंगे, एज दिन आपकी सपोर्ट भी चाहिए, ठीक है। सो आप बच्चों को एजुकेट ऐसे ही करते रहिए सो दैट अच्छे लीडर्स बने, कुछ पॉलिटिकल में आए, कुछ अच्छे मैनेजर्स बने या अच्छे पेरेंट्स बने। सो बच्चों को मैं एक बार कहना चाहता हूँ, अगर आपने अच्छे मैनेजर बनना है तो अपने पेरेंट्स से सीखना। कुछ पेरेंट्स होते हैं बिलो बीपीएल में होते हैं, वो आपकी फीस भी मैनेज करते हैं, आपकी खुशियां भी मैनेज करते हैं, उनसे ज़्यादा मैनेजरल स्किल आपको कोई नहीं सिखा सकता। एक सल्यूट, एक थैंक्स अपने पेरेंट्स को भी कहना। थैंक्स अलॉट। वैसे मैं तो बड़ी चीज देना चाहता हूँ, काफी छोटी चीज मांग ली बड़ी फिर अगले साल बड़ा। सो ये ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल मैनेजमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ चेयरमैन सर, तो हम आपको एक छोटा सा तोहफा देंगे इस जो भी आपके बेसिक रिक्वायरमेंट है आपके कैंपस की, जो भी साउंड सिस्टम चाहिए वो हम प्रोवाइड करेंगे। बच्चों तो लेके एक बात बोलना चाहता हूँ, अब जो लास्ट परफॉर्मेंस थी मैंने, मुझे ये लगा मैं पटियाला में बैठा हूँ, मुझे लगा नहीं थी हिमाचल के बच्चे, ऑनेस्टली इतने एनर्जेटिक बच्चे मैंने आई थिंक पहला स्कूल है
यहाँ पे इतने एनर्जेटिक बच्चे मैंने देखे हैं रियली, मतलब टीचर्स को ये कहते जाता है इतने अच्छे बच्चे आपने ट्रेन किए, थैंक यू। थैंक यू सर। हमारी सबसे ज्यादा जरूरत जो थी ना सर, वो एक साउंड सिस्टम की ही थी, तो आपने वो हमारी गुजारिश कबूल की, उसके लिए मैं विद्यालय परिवार की तरफ से दिल की गहराइयों से श्री अमन जी का और भाई गुरदास इंस्टीट्यूशन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि सर आपने इतना बड़ा तोहफा हमें दिया। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और हमारे विद्यालय के रीढ़ की हड्डी हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य जी से गुजारिश करूंगा कि वो मंच पे आए और मुख्य अतिथि महोदय जी का, विशिष्ट अतिथियों का और यहाँ पधारे हुए ज्ञान के सागर, ज्ञान के भंडार मेरे शिक्षक साथियों का धन्यवाद करें श्री राजेश कश्यप जी। रीढ़ की हड्डी बोले जाते हैं, अगर रीढ़ नहीं बोलते तो चलता, ये हड्डी समझो बीच में आ रहा। तो कार्यक्रम के आखिर में मैं समस्त जितने भी मेरे अध्यापक साथी यहाँ पर मौजूद हैं, कईयों के साथ मैंने काम भी किया और कुछ एक मेरे स्टूडेंट भी बीच में बैठे हैं, तो खुशी होती है जब जिस बच्चे को हमने पढ़ाया हमारे साथ वो टीचिंग का काम करा। तो इस बार फिर मैं एस डी एम महोदय का, क्योंकि आपको बात बता दूँ कि एस डी एम सर का शेड्यूल बहुत बिजी था क्योंकि जनमंच था, तो आप पता लगा ही सकते हैं हम जगह जगह गए लेकिन किसी ने हमें वो नहीं किया कि हम तो बिजी रहेंगे। फिर एस डी एम सर मिल गए, एस डी एम सर ने जो हमारा सर स्वीकार किया, जिसके लिए मैं उनका अत्यंत धन्यवाद हूँ। एस डी एम सर के बारे में कुछ एक और भी चीज़ें मैं जोड़ना चाहूँगा, अभी हाल ही में इन्होंने एक नया कार्यक्रम गर्ल्स स्कूल में शुरू किया है, वो है बच्चों को UPSC जो एग्ज़ाम है उसको कैसे क्रैक करना, तो ये क्लासेस चली हुई है यहाँ पे, जिसमें एस डी एम सर खुद बच्चों को टिप्स देते हैं कि किस प्रकार से UPSC से निकला जा सकता है। इसी कड़ी में वो एक बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास भी लगती है, उसके बाद SDM सर क्लास लेते हैं। एक एक खासियत है, एक बार ये क्लास में चले गए तो फिर इनको पता नहीं होता ढाई घंटे बीत गए या तीन घंटे बीत गए, तो ये बड़ी इनकी अच्छी खूबी है। इसके साथ ही मैं जो वाइस चेयरमैन है अमर मथुरा जी, इनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने स्कूल की एक जो डिमांड थी उसको पूरी किया। मैं दिल की गहराई से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ, आंदोलन सभी का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और हमें अनुग्रहित किया, धन्यवाद। हमारा आज का ये कार्यक्रम अपने समापन की ओर जाता है। आप सभी आए हुए अतिथि और हमारे मेहमान और हमारे साथी प्रीति भोज के लिए आमंत्रित है। बाहर जो है हमारे स्टेज होल्डर आजम सर के बिना नहीं हो सकता था, उनके लिए जोरदार तालियां। हमने रिक्वेस्ट करूंगा एसडीएम महोदय से कि वो हमारे जो आजम सर है उन्हें भी एक टोकन ऑफ लव देकर सम्मानित करें प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।